नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर डॉक्टर आचार्य जीतू सिंह। इस समय आप मुझे ट्रेवल करते हुए देख रहे हैं, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है बनाना, क्योंकि बसंत पंचमी का जब दिन आता है तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि उनके सारे काम जो है वो पूरे होने चाहिए। डेफिनेटली माँ सरस्वती का आशीर्वाद जिनके साथ होते हैं उनकी जिंदगी हमेशा सफलता की तरफ ही बढ़ती जाती है। कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो खास करके इस दिन ही किए जाते हैं, और इस बार का तो विलक्षण योग भी है और संयोग भी है, और खास करके 26 जनवरी का दिन भी है जो हमारे भारत के लिए बहुत ही उत्तम दिन मनाया जाता है, और 74वां गणतंत्र दिवस, इसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और साथ के साथ वसंत पंचमी की भी आपको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं हैं। बच्चों की खास करके जब बात आती है तो माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, और खास करके कुछ ऐसे नौनिहाल बच्चे जो बहुत देर से बोलना सीखते हैं, उनके लिए माता पिता के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि हमारे बच्चे जाने कब बोलना सीखेंगे और कब वो माँ और पिताजी का वर्ड जो अल्फाज होता है उनके मुख से निकलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसा वर्ड होता है जिसे सुनने के लिए हर माता पिता बेताब रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बच्चे जो है तोतला बोलते हैं, या फिर यूं कहें कि बच्चे तोतला बोलने के साथ साथ बहुत सारे बच्चे जो है वो क्लियरिटी के वर्ड्स ही नहीं बोलते हैं, या फिर हकला करके बोलते हैं, या फिर बोलते ही नहीं है, कुछ वर्ड्स ही नहीं निकालते, बस गुमसुम देखते रहते हैं, रिएक्ट करेंगे लेकिन बोलते नहीं है, जिसका ये भी कह सकते हैं कि बहुत देर से बोलना सीखते हैं। उन बच्चों के लिए खास करके ये महा उपाय है, इसे आप जरूर कीजिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इसलिए शेयर कीजिएगा कि हो सकता है किसी को इसकी जरूरत हो। आपने खुद एक माँ ने, माँ सरस्वती की आज्ञा लेकर के एक माँ ने एक दिव्य चीज तैयार करनी है अपने बच्चे के लिए, खास करके शहद की जब हम बात करते हैं। कहते हैं शहद से वैसे भी जब बच्चे का जन्म होता है और जीभ के ऊपर, कहते हैं जीवा के ऊपर अगर के कोई अक्षर लिख दिया जाता है, या फिर जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कुछ ऐसी चीजों को, मुकाम को हासिल करे, अगर लिख दिया जाता है तो कहते हैं बच्चे वैसे ही चीजों की तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं। शहद लीजिएगा एक बोतल और थोड़ा सा केसर ले लीजिएगा, साथ के साथ दो तुलसी के पत्ते, इन सारी चीजों को तैयार कर लीजिएगा। आप माता ने सबसे पहले क्या करना है कि शहद की डिबिया खोलनी है, उसके अंदर दो पत्ते डाल देने हैं जो तुलसी के पत्ते हैं, और साथ के साथ कुछ लीफ, कुछ धागे, जो जैसे धागेदार केसर होता है, उसे आपने उसमें मिक्स करके रख देना है। चार टाइम, चार समय ये आपने एक पूजा करनी है, और माता ही इस उपाय को करेगी। आपने सामने रखना है शहद को, आसन पर बैठ जाना है और ओम सरस्वते नमः, ओम सरस्वते नमः, इस मंत्र की एक माला जाप सुबह, एक माला जाप दोपहर के 12 बजे, एक माला जाप आपने गोधूली वेला जिसे हम कहते हैं शाम का सूर्य अस्त के आसपास का समय, और एक माला जाप आपने शयन यानी सोने से पहले। ये ध्यान रखें माता कि पीले वस्त्र ही आपने इस दिन धारण करने हैं, इसके अलावा आपने दूसरे वस्त्र का धारण नहीं करके पूजा करनी है, यानी जब भी आप इस पूजा को करें तो आपने पीले वस्त्र ही पहने होने चाहिए। ये आपने जब मालाएं, पूरी चार मालाएं आपकी रात्रि में कंप्लीट हो जाए तो इस डिबिया को बंद करके रख दीजिएगा। ये हर दिन आपने अपने बच्चे की जीभ के ऊपर ओम लिखना है इसी से, यानी अपने हाथ में थोड़ा सा शहद लगा लेना है फिंगर के साथ, और आपने अपने बच्चे की जीभ के ऊपर ओम लिखना है। ये उनके लिए है जो बच्चे बोलना नहीं जानते हैं, या बोल नहीं पा रहे हैं, या हकलाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा तोतली आवाज में जो है बात करते हैं। ये दिव्य प्रयोग होता है, कहते हैं इस समय लगातार अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो बहुत जल्दी आपके बच्चे जो है वो बोलना सीख जाते हैं। लेकिन जिस दिन 26 जनवरी का दिन है और माँ सरस्वती का दिन है, इस दिन चार बार आप अपने बच्चे की जीभा के ऊपर ओम जरूर लिखें, और उसका शहद जो है वो अलग से प्रयोग में करना है, इस डिबिया का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ये जब तक तैयार नहीं होगा तब तक इसका प्रयोग नहीं करना है। अगले दिन से 27 से आप इस शहद का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं।
ये बहुत ही कहते हैं दिव्य टोटका होता है, अगर आप इसे करते हैं तो आपके बच्चे जो है वो बहुत जल्दी बोलना सीख जाते हैं। अब आती है बात कि बहुत सारे लोग ऐसे होते कहते हैं कि मुहूर्त की बात करते हैं कि हमें गृह प्रवेश करना है या कुछ चीजें हम करना चाहते हैं, इस समय हम शुरुआत करना चाहते हैं और ये अबूझ मुहूर्त का दिन होता है। यहाँ मुहूर्त ढूंढने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है। माँ सरस्वती का दैवीय दिन माना जाता है जिस दिन आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म, अच्छे कार्य, पूजा, भक्ति, जप, तप, दान और स्नान, जैसे कहते हैं हम कि सूर्य उदय का पहले का स्नान अगर आप करते हैं तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहता है। 26 जनवरी का दिन आपने वीडियो अगर पहले देख ली है तो बहुत ध्यान से इस चीज को कीजिएगा और आपके लिए खास करके हम कहेंगे कि जिन्होंने वीडियो पहले देख ली है तो उनके लिए ये उपाय है। जब आप सुबह उठें, जब आप अपने आंखें खोलें तो सबसे पहले आप अपनी हथेलियों को निहारिएगा, फिर उसके बाद आपने अपनी जमीन पर जब कदम रखे बेड से उतर करके तो पहला कदम वो रखिएगा जिसकी नाक दोनों में से आप चेक कर लीजिए, जिस नेजल में से आपकी सांस बहुत फ्रीक्वेंटली क्लियर अंदर जा रही है वो कदम आपने पहला रखना है और उसके बाद धरती मैया को प्रणाम करना है। आपने उठ करके खड़े हो जाना है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेना है, उसके बाद आपने अपने दिन को, अपने दिनचर्या को स्टार्ट करना है। ये दो महा उपाय थे जो आपने जरूर करने हैं और बहुत सारे लोगों तक आपने इस वीडियो को भी पहुंचाना है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, माँ सरस्वती का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। ये दिव्य दिन होते हैं जहाँ हम बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी में अच्छी अच्छी कर सकते हैं जिसका प्रभाव, जिसका इम्पैक्ट पूरा साल हमारे जीवन में बना रहता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।